ओके okay, जी आप स्लाइड नंबर टू थोड़ा सा देख लेते हैं इसको तीन चार पॉइंट्स हैं इसके अंदर मैं बजायज के उन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करूं मैं उस गो थ्रू करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें जो बता देता हूं उन्हीं के अंदर वो तीनों पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे फिर इंडिविजुअली मैं उसमें से जो है ना गो थ्रू कर दूँगा अच्छा पहली चीज़ ये है कि इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है उन्होंने ना इस स्लाइड के अंदर सपोज करोगे दिस इज़ योर लैंड य फिर मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा मुझे या का लैंड सर्फिस है इसके ऊपर आपने पानी को जो है ना वो अप्लाई किया ठीक है अच्छा अब पानी आपने अप्लाई किया उसके बाद क्या होगा कि अल्टीमेटली ये सारे का सारा पानी जो है आ, इसमें से कुछ पानी जो है वो सरफेस पर से इवेपोरेट हो जाएगा ठीक है ना कुछ थोड़े देर बाद आप देखोगे कि कुछ पा, पा, पानी जो है वो सरफेस के ऊपर ही से इवेपोरेट कर जाएगा सही है जो हर टाइम एवेपोरेशन होती रहती है ना एवेपोरेट कर जाएगा सरफेस को। कुछ जो है वाटर जो है वो उसके पार्टिकल सॉयल जो है ना वो एब्जॉर्ब कर देगी ठीक है यानी कि आपने ये जो है ना वो रखना है जहन में कि कुछ वाटर के पार्टिकल्स जो है ना सॉयल के अंदर आ जाएंगे और कुछ जो है ना वो क्या होंगे वही इवेपोरेट कर जाएंगे ठीक है ये सारे वो सॉइल पार्ट ये सारे सारे वाटर पार्टिकल्स हैं जो कि सॉयल ने अपने अंदर जो है ना वो एबजॉर्ब कर लिए ठीक हो गया और आपको ये जो लगा हुआ पानी है ना ऊपर ये वाला ये थोड़ी देर के बाद जब जब मैंने कुछ वेपरेट हो गया हुआ है और कुछ जो है ना वो कुछ पानी वेपरेट कर जाएगा और कुछ पानी जो है ना वो जमीन के अंदर मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो मिटेगी नहीं ये लाइन तो इस पर से रह दो तो कुछ पा -पा वाटर जो वेपरेट कर जाएगा कुछ जो है ना वो सॉइल के अंदर जो है इट जो है वो एब्जॉर्ब वा, वा, हुआ रह जाएगा ठीक है अच्छा अब होता ये है कि जो जो आ, पानी जो है जो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, हुआ हुआ है ये भी मतलब आपने कभी देखा हो ना वाटर जो जो सॉइल का सरफेस है वो वेट हो ना तो कहते हैं कि जी जब तक सॉइल सेचुरेट है जब तक सॉइल सेचुरेट हो ना तो इवेपोरेशन फ्रॉम सेचुरेटेड सॉइल विल बी सिमिलर टू द इवेपोरेशन फ्रॉम From वाटर surface, ठीक है वो कहते हैं कि पानी अगर सेचुरेटेड सॉइल से वेपोरेट करे या वाटर सर्फेस से वेपोरेट करे वो दोनों सेम होते हैं ठीक है ना मतलब कि उनका पैटर्न जो है एवेपोरेशन का वो सेम होना है चाहे वो वो सॉइल सेचुरेट सॉइल से करे या वो वाटर सर्फेस से करे वो सेम रहेगा अपने बात याद रखनी है ये वाली कि वेपोरेशन का अमल पानी के सर्फेस से ऐसा ये पानी का सर्फेस है ना इस पर से और सेचुएटेड सॉयल से सेम होना। लेकिन जो ही वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर कम होंगे तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा सेकेंड पॉइंट जो है ना वो ये है एस सोन एस, द वॉटर कंटेंट्स बिकम लेसर इन द सॉइल द रेट ऑफ evaporation will become smaller as well. ठीक है? तो उसके साथ ही जो है ना वो आ, evaporation का जो अमल है वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा ठीक हो गया इसीलिए देखो अब आपको जमीन के ऊपर आपको अब वैसे भी अब जरा चल के देखो ज़मीन के ऊपर आपको कई जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे सॉइल सेचूरेट होगी कई जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे सॉयल जो है वो अन होगी आप अपने आस पास देख लो जो जो ज़रअी ज़मीन है आपके आस पास देख लो या कोई भी ज़मीन है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर चलो ज़रा चल चले चल, चल के देखो ज़रा कुछ जगहों पर सॉइल जो है सेचुरेट होगी और कुछ जगहों पर ऊपर जो है ना सॉयल जो है वो क्या होगी अन होगी ठीक है ना like ocean तो आपने तो मैं लिख रहा हूँ इस बात को कि द कंडीशन ऑफ सॉइल इज वेरियंग इन नेचर ठीक है ना कि सॉइल की जो कंडीशन होती है वो वेरिंग होती है कुछ सॉयल जो है वो सेचुरेटेड होती है और कुछ जो है ना वो सम पार्ट चुरेटेड वाय समचुरेटेड ठीक है ये क्लियर होगी ये बड़ी बात कि कुछ सेचुरेट होंगे कुछ अनसेचुरेट होंगे इसलिए इसलिए दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ एपोरेशन कैन नॉट बी जनरलाइज ठीक है कि आप इवेपोरेशन के प्रोसेस को जनरलाइज नहीं कर सकते मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि जी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरगोदा में वेपोरेशन क्या होगी और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो आ, कोई और शहर है उसके अंदर क्या वेपोरेशन होगी समझ रहे हो इस बात को यानी कि एवेपोरेशन जो है ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसके ऊपर आप कोई जनरल बात कर सको ठीक है आप मतलब ये नहीं हो सकता कि जी पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई सिटी ए है उसके ऊपर एवेपोरेशन जो है ना वो ये है तो इसी के ऊपर दूसरे शहर के अंदर भी इतनी ही वेपोरेशन होगी ऐसा नहीं होता ठीक है डिपेंड ये करती है सॉइल की कंडीशन के ऊपर और सॉइल की कंडीशन जो है ना वो क्या होगी वो वेरिंग होती है चूँकि कुछ सॉइल जो है सेचरेटेड होगी कुछ अन होगी ठीक है ना और इस वजह से हम हमेशा ये कहते हैं कि आप एवेपोरेशन के प्रोसेस को जो है जनरलाइज़ नहीं कर सकते अब जनरलाइज करना क्या होता है जनरलाइज करना ये होता है जैसे आपको पता है कि मैं अगर बोलूँ कि जी जी कोई जो है ना वो सिटी है मैं उसको समझाने के लिए मैं इसको समझाने की बात कर रहा लूँ ठीक है ना कोई मैं रॉकेट साइंस जो है ना बयान नहीं कर रहा मैं इसको समझा रहा हूँ कि जनरलाइज़ क्या होता है जनरलाइज ये होता है कि बिलिफर सिटी ए है वहाँ पे पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है एक सिटी बी है वहाँ पे बयालीस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमें ये चीज़ पता है हम जानते हैं इस चीज़ को कि हमेशा कहेंगे ना गर्मी कहाँ ज्यादा है आप बोलोगे कि जी गर्मी जो है ना वो बी सिटी के अंदर ज़्यादा यानी कि हमने जनरल सा रूल बनाया हुआ है कि जहाँ पर टम्परेचर ज़्यादा होगा उधर गर्मी भी क्या होगी ज़्यादा होगी ये रूल्स जो हैं ये कभी भी आप इवेपोरेशन के साथ जो है ना ये रूल फॉलो नहीं कर सकते इवेपोरेशन जो है उसके सॉल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो ठीक है तो इस वजह से आप उसके ऊपर किसी किस्म की जनरल बात जो है ना वो नहीं कर सकते तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये उसने डिस्कस किए हुए हैं इस स्लाइड के अंदर ठीक है ना ये तीनों भी तीनों ऑपरेशन फ्रॉम लैंड सर्विस के नॉट भी जनरलाइज्ड फॉर सिलेक्टेड सजिफ्ट देशन कैन सेम एज फ्राम वाटर सर्विस मैंने पहले बोल दिया हुआ है वाटर लेवल वन द वाटर लेवल ड्रॉप्स यहाँ पर वैन होना चाहिए था पहले इवन वन वन द वाटर लेवल ड्रॉप्स देशन रेट विल डिक्रीज ग्रेटली ठीक है यानी कि जो जो एपोरे पानी की मकदार कम होती जाएगी एक ऐसी सॉयल जैसे मैं यहाँ पर सॉइल मैंने ड्रॉप की थी पता नहीं कहाँ चली गई है वो मुझे एक्सप्रेंस करना पड़ेगा उसके लिए हाँ ये कि जो ही कोई कोई पार्ट, पार्टिकल्स हैं ना जो भी सॉइल जिसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल हैं वाटर पार्टिकल हैं ऑब्वियसली बात है हमें पता है इस बात का कि वो ज़्यादा ज़्यादा ही उसके अंदर से वाटर पार्टिकल बाहर निकलेंगे और जिसके अंदर से कम जो है ना वाटर पार्टिकल हैं वहाँ से ऑब्वियसली जो है वो कम वाटर पार्टिकल जो है ना वो एस्केप होंगे तो इसलिए वेपोरेशन जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर कि जितने वाटर कंटेंट कम होते जाएंगे सॉइल के अंदर उतना ही जो है इवेपोरेशन का रेट भी जो है ना क्या हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा आई होप दिस मेक्स सेंस अच्छा अब आगे कुछ तीन चार पॉइंट उसने और जो है ना वो कहे हुए नहीं डिफरेंट बात है मेरा ख्याल है कि ये मुझे अलग से डिफ़ाइन करनी पड़ेगी आ, सो य इसी में तीनों पॉइंट कर दूँ आई होप कि मेरा लैपटॉप जो है ख़राब ना हो और मेरे पास मैं तीनों को डिफाइन इसमें कर देता हूँ इसी इसी बात में चूँकि बातें वो उसके साथ मिलती हैं तो यहीं कर देता हूँ यह है ट्रांसपेरेशन रेशो ये क्या होती है देखो मैंने यहाँ पे पौधा जो है ना वो मैं इस डायग्राम से मैं इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ मैंने डायग्राम मैंने कॉपी किया और कुछ नहीं किया ठीक अच्छा अब होता क्या है कि प्लांट की जो आपने कभी प्लांट लगाया ना आप प्लांट को क्या कर देते हो मतलब ये तो फर्टिलाइजर तो आजकल जो है ना ईजाद हुए हैं जब बहुत पहले की जो एग्रीकल्चर थी उसमें क्या था हम सिर्फ और सिर्फ पौधे को जो है ना वो या बीज को हम पानी दिया करते थे ठीक है ना ये जो आप अपने आसपास पास के पौधे देखते हो गंदम का जो, जो 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 पौधा लगा हुआ होता है इन्िशली वो क्या होता है इनिशली वो सिंपल एक छोटा सा जो है ना इस ओवल शेप का एक तरह से बीज होता है एंड इट लिटर ट्रांसफॉर्म्स इट से कम्प्लीट प्लाट आपने इसे क्या दिया है कि वो पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हुआ आपने उसको सिर्फ और सिर्फ वाटर दिया आप पानी देते जाओगे वो बीज खुद अल्लाह पाक का ये इतना ज़बरदस्त एक निज़ाम है और ये अल्लाह पाक की एक तरह से प्रेजेंस को ये चीज़ शो भी करवाती है कि एक इतना छोटा सा बीज होता है और सिर्फ आप उसको ऊपर पानी दे रहे होते हैं उसको और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक बहुत बड़े पौधे के अंदर सही है ये शान है उस मालिक की और वो उसकी जड़ें भी होती हैं पहले तो उसकी जड़ें भी नहीं होती है। उसकी सिंपल एक बीज सा होता है वो फिर जड़ें बन जाती हैं तना बन जाता है उसके उसके, उसके अंदर वो फूड आ जाता है और सारे के सारी चीज़ें जो जो हमें पता है उसका तो वो कहाँ से आता है आप उसको पानी देते हो इस वजह से आता है तो इसका मतलब है कि आप प्लांट को जो है ना यू अप्लाई या वही वही कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है ठीक है ना वही अप्लाई water to the plant and in return it grows ठीक है ना अब ये जो grow करना है ये क्या है अपने size को बड़ा करना grow करना यही होता है ना और इस grow करने के अमल को जो growth होती है ना हम इसे बोलते आमतौर पर इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोला करते हैं dry matter dry matter क्या होता है कि ऐसी चीज आपने उसको पानी दिया था ठीक है ना और उसने अपने आप को बड़ा किया उसके बाद सही है ना उसके अंदर से जो बीज जो जो उसका तना बना है पत्ते बने हैं सारे के सारे हम उन्हें क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड ड्राई मैटर्स कि आपने मैटर बनाया मादा बनाया वो खुश मादा बना पानी से पानी दिया आपने उसने अपने आप को ग्रो किया क्या ग्रो किया अपना ड्राई मैटर ग्रो किया ड्राई मैटर क्या होता है अपने पत्ते बनाए अपनी स्टेम बनाई अपनी रूट्स बनाई दिस इज़ कॉल्ड ड्राई मैटर तो वो ड्राई मैटर उसने बनाया अपने आप को ग्रो किया उसने अब ट्रांसपरीशन रेशो ये होती है कि आपने कितना पानी लिया और कितना आपने अपने आप को ग्रो किया यानी कि आपको कितना पानी दिया गया और आपने उससे कितना ड्राई मैटर जो है ना वो बनाया ठीक है तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ट्रांसप्रेशन रेशो क्या होती है ट्रांसप्रेशन रेशो ट्रांसपरेशन ये होती है कि अमाउंट ऑफ द रेशो बिटवीन द रेशो बिटवीन amount of dry matter produced, dry matter, dry matter produced to the ratio of water applied, to the ratio of amount of water applied, कि okay, आपने कितना पौधे को जो है वो पानी दिया और उसने कितना अपना उससे dry matter जो है ना वो बनाया that is called ट्रांसपीरेशन रेशो ये एक उसकी सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है मतलब क्या वो मैं दोबारा इसको पूरी बात उसको कर करूँ इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हम हमेशा बीज जो होता है ना कोई भी पौधा होता है हम उसको पानी देते हैं हमेशा और वो पानी से जो है अपने पत्ते अपनी स्टैंप अपने रूट्स बनाता है और उन स्टैंप रूट और जो लीव्स हैं उनके जनरली क्या बोलते हैं हम ड्राई मैटर बोलते हैं उसको तो ट्रांसपीरेशन रेशो ये होती है कि आपने कितना पानी जो है वो कंज्यूम किया और उसके नतीजे में आपने कितना जो है वो ड्राई मैटर बनाया ठीक हो गया तो यह ट्रांसपोर्शनेशन के बारे में उसने लिखा हुआ कि इट, इट रिप, रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू तो यूज वाटर टू तो फॉर्म ड्राई मैटर ड्राई मैटर क्या होते हैं लीव्स स्टैंप और रूट जैसे मैंने बताया आपको यानी कि अपने बॉडी पार्ट्स उसने बनाए उससे इट इज डिफाइंड द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड यानी कि जितना वाटर उसने यूज किया जितना वाटर उसने ट्रांसपायर किया ठीक है टू द वेट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड और उसके बदले में उसने कितना जो है ना वो अपना ड्राई मैटर जो है ना वो बनाया अच्छा अब इसका दूसरा भी एक जो है उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी भी है अगर आप चाहो तो वो और तरह टेक्निकल डेफिनेशन है और आपने ये बयान करनी है जबकि पूछे आपसे ये क्या होती है द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू प्रोड्यूस वन पाउंड ऑफ ड्राई मैटर इन प्लांट कि स्टैंडर्ड ये है स्टैंडर्ड ये है स्टैंडर्ड जो है इसका ट्रांसप्रेशन रेशो का वो ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड to produce one pound of dry matter, ठीक है कि कितना पानी ले के प्लांट ने जो है ना वो एक पाउंड का ड्राई मेटर जो है ना वो बनाया क्या हो गया अब जाहिर बात है जो में से देहातों में बिलोंग करते हैं उनको पता है इस बात का कि जो गंदुम है ना वो आ, उसको कम पानी रिक्वाड होता है मतलब जो फसल है ना गंदुम की उससे कम पानी रिक्वायर्ड होता है जबकि जो आपके चावल की जो जो फ़सल है वो क्या होती है उसको ज़्यादा पानी जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है तो हम इना वे ये कह सकते हैं इना वे ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोरेशन रेशो है ना आ, राइस की राइस प्लांट की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीट सही है तो जितनी जिस आ, जितनी जिस जो है ना वो प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो ज़्यादा है ड्राई मैटर को बनाने के लिए अब इस फार्मूले के थ्रू हमें पता है कि जितना उसको पानी ज़्यादा रिक्वायर्ड है ठीक है तो उसी लिहाज से उसकी जो है ना क्या हो जाएगी ट्रांसपेरेशन रेशो जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी आपने याद रखनी है ये बात ठीक है इस इसको जो है वो इसमें कोई इशू हो तो सवालों से करना है लेकिन जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है वो यही यह है कि द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू तो प्रोड्यूस तो वन पाउंड ऑफ ड्राई मैटर इन अ प्लांट कि कितना पानी आपको रिक्वायर्ड है प्लांट के एक पाउंड ड्राई मैटर बनाने में या प्लांट का एक पाउंड वेट बढ़ाने में जो है ना कितना पानी रिक्वायर्ड है वो उसे क्या बोलते हो आप वो उसकी ट्रांसफरेशन फ्रेशो होती है आई होप की चीज़ क्लियर होगी सिम्पल चीज़ें कंक्यूजिंग चीज़ तो है कोई नहीं ठीक है लेकिन फिर भी कोई सवाल हो आपने मुझे तो आपने मुझसे लाजमी करना है तो जब हम वापस आएंगे तो उसके बाद जो है ना इस लेक्चर का आखिरी जो है ना वो पार्ट है दो स्लाइड्स मैं उनको जो है ना वो उससे गो थ्रू करूँगा So stay tuned.